नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो हल करने वाले हैं। 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है, क्रेडिट लेवल सेकंड। तो जो उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, तो उसके अनुसार आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप मिलान जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन 60 में से सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो ए सीरीज हल करने वाले हैं, तो आप की सीरीज देख लेना कौन सी सीरीज है। देखिए, ए सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेक्शन 4, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर पूरे 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 था। यहाँ पे एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन सी बौद्ध ग्रंथ में है। तो इसका राइट आंसर बना गया है ऑप्शन नंबर सी, मंजिम निकाय। या उत्कर्ष क्लासेज की जो आंसर की है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के नियम लिए नियमों का संग्रह था। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बना है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या माना गया है, वैसे सिख, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो 94 का राइट आंसर है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, अम्मी कामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है, तो 1, 2 और 3। तो राइट आंसर देगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, चीनी तीर्थयात्री स्वेन सांग किस राजा के दरबार में रहे थे। तो 96 का जो राइट आंसर है वो जाएगा हर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ में राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अभिज्ञान संकुतलम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो 98 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है भगवती धर्म, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे। तो ये क्या थे, किसानों के प्रकार थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, मुगल काल में मंजिल आबादी सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो इनका संबंध किससे था, तो राइट आंसर हो जाएगा 101 का पुस्तक के भाग थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी। तो ताराबाई शिंदे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो 1943 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं लिया गया। तो विश्वास उपासना धर्म और भाषा, तो इसमें से उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह अधिनियम हुआ था 2014 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 106 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीडी जत्ती ने, ठीक है। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो
इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1098। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, तो यहाँ पर 91 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा पिक्के थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो उपाधियों का अंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, संताली, हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है वह कहलाता है, तो प्रदीप्त व्रत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, अवरोही पवने प्रवाहित होती हैं, तो अवरोही जो पवने हैं वह कहाँ पर प्रवाहित होती है, पर्वत से घाट की तरफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 116, एस तरंगे के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, तो एस तरंगे 105 से 105 होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कयाल किस तट पर स्थित है, तो कयाल कहाँ पर, मालाबार तट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 118 नंबर, बेथोलित, लेखोलित और लेफोलित और फेकोलित ये किसे संबंधित हैं, तो ये सभी किसके प्रकार हैं, ज्वालामुखी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं, फेयंस के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं, तो ऋग्वेद के बारे में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, देखिए निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित करना था यहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ हो जाएगा डी में, और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये महोगनी, पर्वतीय वन हैं सपरुष और मैग्रो ताड़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है, तो कौन सा हो जाएगा 122 का राइट आंसर डी, मयूरभंज ओडिशा, इसके बाद में सिंहभूम झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, तो जो अरावली पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 124, देखिए निम्नलिखित जिलों और जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना था, तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी है, आप मिलान कर लें, देखिए जैसलमेर जो है शुष्क क्षेत्र में जाएगा, जयपुर है तो उपादर हो जाएगा, इसके बाद सवाईमाधोपुर आद्री और झालावाड़ अति आद्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा था, तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 अजमेर आ जाएगा, यहाँ पे जो बिशनपुर परियोजना है ये आ जाएगा टोंक के अंदर, तो ये यहाँ पर 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो सरसों, चना और मोठ, ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 126 का राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो कितनी है 10%, ठीक है 127 का राइट आंसर 10%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, तो विषम घाटी पंचानन राणा हमीर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का महाराणा कौन था, तो
कौन हो जाएगा? स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा जो अधिवेशन है वो हुआ था अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132, बाणासुर का शहीद नाम से कौन प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो बाणासुर का शहीद तो मेजर शैतान सिंह इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133, चोरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो चोरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134, तुलसी हालरो तिमणिया पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो कौन से भाग में पहने जाते हैं ये? गले के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135, विजयदान देथाई की पुस्तक जो दुविधा है उस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? जो दुविधा फिल्म पर, दुविधा और पहली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, हेला ख्याल नामक लोग नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? हेला ख्याल, तो हेला ख्याल दोसों से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, पटेलिया बिछियो लालर मच्छर ये सब क्या है? तो ये सब है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए शिक्षण विभाग से क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित हैं यह परिभाषित किया गया था, किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो 138 है उसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, सेली गमेन के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? क्या पूछा? सर्वे सामग्री, तो लिंगाफोन इसका सर्वे सामग्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 140, इनमें से कौन सा एक किलपेट्री के द्वारा दिया गया प्रयोजनों का प्रकार नहीं है? तो किलपेट्री के द्वारा दिया गया प्रयोजनों का प्रकार कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो विध्वंसक परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो बी एफ स्किनर के द्वारा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। इसके बाद देखिए 144, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछा है यहाँ पे, तो हो जाएगा अरस्तु आगमन और निगमन विधि, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो जाति प्रथा की प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो 5, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 147, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? तो कौन सी परत से वापस आती हैं? आयन मंडल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जलस्तंभ कहते हैं? तो यहाँ पर टोरनेडो जो हैं उसको क्या कहते हैं? चक्रवात को समुद्र पर जलस्तंभ कहते हैं, टोरनेडो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लेब्राडोर, ओएसियो धारा और बेंगवाला धारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, तो उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है तो सामान्य से अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा आंसर की जारी की गई थी तो उसके अनुसार आपको बताया है, तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।